Hello everyone. Now let us take an example on Maxwell's first equation or Gauss law in point form. So here the question is d bar is given in terms of r theta. So definitely it could be our spherical coordinate system with variables as r, theta and phi. And they asked to prove rho v, yani ki volume charge density is equal to this one. तो डी बार दिया है और हमें पूछा है रोवी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन. सो विल बी राइटिंग यूजिंग मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन. वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ डी बार इट विल बी इक्वल टू रो वी. तो इस वाले केस में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन फ्लक्स डेंसिटी. सो वी नो दैट डाइवर्जेंस डी बार स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए विथ थ्री वेरिएबल्स आर थीटा एंड फाई विल बी वन बाई आर स्क्वेयर डो बाई डो आर आर स्क्वेयर इंटू डी आर, दैट इज कंपोनेंट अलोंग आर डायरेक्शन. नेक्स्ट थीटा के अलोंग लिखेंगे वन अपॉन आर साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा d by d theta in bracket sin theta d theta plus d phi k across 1 by r sin theta dou by dou phi of d phi. okay, तो इस वाले केस में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dr d theta d phi. तो देखिए d bar is equal to दिया है 10 sin theta direction along r. तो जो मैग्नीट्यूड है आर का इट विल बी 10 साइन थीटा. सिमिलरली डी थीटा, अब देखिए ये डायरेक्शन अलोंग थीटा है तो ये आ जाएगा डी थीटा एज 2 कॉस थीटा और डी फाई कंपोनेंट दिया नहीं है तो डेफिनेटली इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 0. नाउ विल पुट ऑल दिस वैल्यू हियर 1 बाई आर स्क्वेयर डो बाई डो आर r square into 10 sin theta plus ये वाला 1 by r sin theta dou by dou theta sin theta into this term 2 cos theta. तो इसको लिखेंगे 2 sin theta into cos theta plus ये वाला term तो 0 आ जाएगा क्योंकि d phi 0 है. अब इस वाले केस में 10 sin theta को बाहर लेंगे as constant अपॉन आर स्क्वेयर तो यह आ जाता है डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर. तो आर स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन इट विल बी 2r. अब इट कम्स तो एक्स स्क्वेयर का अगर हम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो यह आता है 2x प्लस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू डो बाई डो थीटा. अब जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है इस वाले को हम लिखेंगे एज साइन टू थीटा. इट इज़ अ फॉर्मूला साइन टू ए विल बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है तो साइन थीटा लिखते हैं. अब इसका डिफ्रेंसिएशन 2 साइन थीटा ये वाला आर हम कैंसिल करेंगे 2 इंटू 10 विल बी 20 साइन थीटा बाई आर प्लस 1 बाई आर साइन थीटा इंटू अब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 ये जो 2 है वो भी आ जाएगा. किस तरह से तो साइन 2x अगर हम लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस 2x विद दिस वैल्यू 2 एज इट इज. लेट्स रीराइट दिस 20 साइन थीटा बाई आर प्लस 2 by r cos 2 theta divided by sin theta. This will be rho v del dot d bar is equal to rho v. अब अगर हम देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, सो वी नीड sin theta by r जो एक टर्म हमारे पास अवेलेबल है प्लस 18 प्लस 2 cot square theta है तो जो रिमेनिंग टर्म है तो उसमें देखिए sin theta by r हम एज इट इज रखेंगे और ये जो cos 2 थीटा बाई साइन है इसके अक्रॉस हम टर्म लिखेंगे. तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एज यू नो दैट
कॉस टू थीटा ऑलवेज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस इज 20 साइन थीटा बाई आर प्लस 2 बाई आर इन टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन थीटा. क्लियर है? अब इसको रीराइट करेंगे एज 20 साइन थीटा बाई आर प्लस 2 बाई आर इन टू विल डिवाइड एवरी टर्म बाय साइन विथ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन थीटा. अब अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पर r है और यहाँ पर है r साइन थीटा. तो r साइन थीटा हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 20 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि r तो कॉमन है, प्लस ये वाला टर्म 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज़ एंटायरली डिवाइडेड बाय r साइन थीटा. हमने r साइन थीटा को एलसीएम लिया है साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया. सो दिस विल बी 20 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई आर साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए ये 20 माइनस 2 यानी 18 होता है. सो इट इज़ 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर साइन थीटा. अब हम नो लेट्स टेक कॉमन टर्म, देखिए हमें क्या चाहिए साइन थीटा बाई आर. तो यहाँ से हम साइन थीटा बाई आर कॉमन निकालेंगे, आर तो ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 18. ऑलरेडी यहाँ पर साइन भी है तो यहाँ पर साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. ठीक, अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा. सो दिस विल गेट कैंसिल, विल गेट साइन थीटा बाय आर इंटू 18 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज रो वी इज इक्वल टू साइन थीटा बाई आर 18 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा. फाइनली विल राइट द यूनिट ऑल्सो एज कूलम पर मीटर क्यूबिक. सो दिस इज अबाउट हाउ यू आर डिटरमाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म. थैंक यू.